देश में आए दिन दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरठ जिले में उल्देपुर जातीय संघर्ष अब राजनीति रंग लेने लगा है। प्रशासन ने अगर समय रहते इसका हल नहीं किया तो यह सत्ता रूढ़ी भाजपा यानी योगी आदित्य सरकार के लिए नासूर बन सकता है। बता दें कि उल्देपुर गांव में चौहान और दलितों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसमें दलित पक्ष से एक युवक रोहित की मृत्यु हो गई, जिसमें दलितों ने राजपूत पक्ष के 6 लोगों को नामजद किया था। इसमें से 3 को पुलिस ने उठा लिया था। इसके बाद चौहानों ने मेरठ कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया। उस दौरान SSP मेरठ राजेश कुमार पांडे ने मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था। चौहान के प्रदर्शन के बाद अब दलितों ने कमिश्नरी में महापंचायत का निर्णय लिया था। इस महापंचायत की तारीख भी तय की गई थी। दलितों के इस ऐलान से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई। उल्देपुर प्रकरण अभी भी गरमाया हुआ है, इसको लेकर लगातार राजनीति जारी है। गुरुवार को अम्बेडकर कॉलेज में दलितों की एक सभा हुई। इस सभा में दलित संगठन, दलित समाजी संगठन के अलावा दलित वकीलों ने भी भाग लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक आगामी महापंचायत की जाए। महापंचायत का नेतृत्व के लिए एक मोर्चा बनाया गया। महापंचायत दलित संघर्ष मोर्चे के बैनर तले की जाएगी। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गौतम ने बताया कि उल्देपुर में हुई हिंसा में रोहित जाटव की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बावजूद पुलिस ने मृतक पक्ष के 12 लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी और 2 हथियार लाइसेंस देने की मांग सरकार से पहले ही की थी। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। पुलिस का दूसरा पक्ष के खिलाफ SC ST एक्ट में कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क, मेरठ।